ये है कोवलपट्टी। यहाँ की शेन बगवल्ली माता का मंदिर और कादिर सेन मंदिर मशहूर है। यहाँ की चिक्कियाँ बहुत स्वादिष्ट होती है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का मुख्य कारोबार माचिस बनाना है। इस शहर में रहते हैं विक्रम पांडे। आप जानना चाहेंगे कि ये हैं कौन, तो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ के राज परिवार से संबंध रखते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। ये खारा सोना है, इतनी ममता भरी है कि किसी के लिए जान भी दे सकते हैं और दुश्मनी में किसी की जान भी ले सकते हैं। पंचायत हो या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप आकर उसका निपटारा कर देते हैं। विक्रम पांडे ने अपने परिवार के लिए अपना स्वभाव बदलकर एक अच्छे घरेलू इंसान का जीवन शुरू कर दिया है। राज परिवार का होने के कारण गाँव में आज भी इनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, विक्रम पांडे के नाम से। जाते हैं इतना दिखाए चारों दिशाएं नमन करती है। वीरों की वीरता से कांपे है दुश्मन, धड़कन आ जाता है रे पसीना। इनका है प्यार ऐसा मां के दुलार, जैसा ढूंढे से मिलेगा कहीं ना। दुश्मन भागे डर के मारे हावन हाँ। वीरों की वीरता से कांपे
हैं दुश्मन धड़तन आ जाता है रे पसीना। गोबल बट्टी के मचिया विक्रम पांडे जी आप लोगों के मनोरंजन के लिए अनुष्ठान रखे हैं। यहाँ पे आए सभी भक्तों का स्वागत है। हमारी माता रानी से प्रार्थना है कि वो आपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दे। आप सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था, मनोहरी सुंदरी जवानी से भरी रीता अब आपके सामने पेश है। आप लोगों के सामने बॉलीवुड की सुपरस्टार आ रहे, मजा लीजिए। बिन तेरे जीना बेयार कोई जीना है, सांस रुक जाती है नींद नहीं आती रे, तू जो बोले तुम्हें सर भी काट दूंगा, आसमान थोड़ा कर ले। बिन तेरे जीना भी यार कोई जीना है, बिन तेरे जीना भी यार कोई जीना है, शीला, हम तुम्हारे भरोसे आए। मेरी बात समझ रही हो? खुश हो ना? चलो चलो आ जाओ जल्दी। अपने लड़के हैं, ये लो पहना दे। जब तक मुझे मुसीबत में ना डाले तब तक बधाई है, शादी की बधाई। तुम्हारे बेटे ने क्या किया मालूम है? बताइए क्या किया, बताइए। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की शादी करा दी। तुम्हारे बेटे ने जो किया बहुत गलत किया। क्या गलत किया? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए शादी करा दी उसने। अगर तुम्हारे बेटे इस तरह दूसरी जात की लड़की को लेकर आया तो उसे स्वीकार करोगे? अगर वो लड़की अपनी मर्जी से आएगी तो जरूर स्वीकार करूंगा। अंदर आइए, आइए। मैं तुम्हारे घर दावत खाने नहीं आया हूँ पांडे। तुम चाहो तो स्वीकार कर सकते हो, लेकिन ना मैं स्वीकार करूंगा और ना मैं बदलूंगा। हम ठाकुर है समझे, ये मत समझना। बाप बेटे ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, तुझे तो इसका जवाब देना पड़ेगा पांडे। तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी शादी कराने की? हाँ उन्हें करनी थी तो वो खुद करते, तू बीच में क्यों पड़ता है? अगर तुझे कुछ हो गया तो? ओहो, इसका तो शुरू हो गया। संभल बेटा पांडे, तू भाग ले यहाँ से। मैं कुछ कह रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? इसे कुछ कहते इतने क्यों दिनों नहीं? से मेरी बात ही तो मान रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, बेकार परेशान हो रही हो। मुकेश अरे यार सुन ना, जरा गणेश को फोन लगा।
चैन से चाय भी नहीं पीने देते यार। फोन तो उठाएगा नहीं वो, फिर भी करता हूँ। फोन नहीं उठा रहा यार। चल छोड़। लगता है दिन में भी अरे मेरा मतलब दिन में भी फोन नहीं उठा रहा, क्या बात है, तुम लोग भी ना डबल मीनिंग। लो देखो आ गया। अरे कैसा है? क्या रे? अरे आंख लग गई थी, सो गया था यार। क्या रे, डे शिफ्ट था? ए बेकार की बात मत कर, पागल कहीं का। ए, फोन क्यों नहीं उठाता यार? नहीं यार, कुछ काम कर रहा था। अरे मैंने भी तो यही कहा था, सुनते नहीं ये लोग। ए तेरा ससुर मुझे घूर क्यों रहा है? अरे वो जाए भाड़ में। लगता उसने फोन लगाया होगा, इसने उठाया नहीं होगा, इसलिए घूर रहा है। मुकेश तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे ये सब छोड़ो, घर पे दावत है, आ जाना। मुकेश अब हाथ कैसा है? अब ठीक है यार। लगता है कल ज्यादा पी ली थी। हाँ अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ए मुकेश ये बता, कल गणेश काम पर आएगा या नहीं? फोन करके पूछता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ ये यहाँ पे आवाज तो नहीं लगाएगा ना? मुकेश जरा उसे फोन तो लगा। ए जरा रुकना। इधर आ। यहाँ कौन रहने आया यार? पता नहीं, माँ बेटी रहते हैं और माँ इसकी टीचर है। ये मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? कहीं मुझे ढूंढता हुआ नहीं आ गया ना? घर में घुस गया तू? माँ को क्या जवाब दूंगी मैं? लेट क्यों हो गई? घर का पता कैसे मिला? ए, आने में देर कैसे हो गई? कंप्यूटर क्लास गई थी मम्मी, इसलिए आने में लेट हो गया। वहाँ क्या इतनी भीड़ लगी थी? जाते ही अपना काम खत्म करके चले आना था ना। पूछो तो हजार कहानियाँ सुनाती है, उधर क्या देख रही है? मैं कुछ भी बोलूँ तुझे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जाकर हाथ मुंह धो ले, जा जा। तेरी बातों पर विश्वास ही करना होगा, तेरे साथ रहना जो है मुझे। इधर ही तो आई थी, मैंने खुद ही देखा था, कहाँ चली गई? अच्छा तो यहाँ है, अभी बताता हूँ। आप ठीक है ना? उस दिन आपको चोट तो नहीं लगी ना? सुनिए, दोनों मुझे क्यों देख रहे हैं? कहीं
ये लोग मुझे बुलाने के लिए तो नहीं खड़े हैं। ए, इधर आ रहा। मैं तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आ। अरे यार तू परेशान है, मुझे बुला रहा है, चल ना मेरे साथ आना। ए, चुप करके बैठना। अरे मुझे ही बुला रहा है, चलना साथ यार, चलना। अजीब आदमी है तू भी, ये सब तेरे साथ ही क्यों होता है? जा पूछ क्या, जा, जाना। क्या कर रहे थे? सर, नमस्ते सर। ए, क्या क्या कर रहा है तू? सर, सर, मैं तो चाय पीने आया हूँ। चाय की बस एक ही दुकान है, ऐसे नहीं बताएगा। ले जाकर चार ठंडे मारो ना, तभी बताएगा। नहीं सर, मैं चाय पीने ही आया था, चाहिए तो आप मेरे दोस्त। कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया? अभी यही तो था सर, पता नहीं कहाँ गया। नमस्ते। बैठो। मैं भी अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अभी तक तुम्हारी और पांडे की रंजिश खत्म नहीं हुई है। पांडे का जो हिसाब बनता है तुम उसे देकर वहाँ खत्म करो। बेकार में पंगा क्यों लेते हो? तो ऐसा झगड़ा बार बार क्यों करते हो? ये आखिरी बात में बुलाकर बात कर रहा हूँ। चलो जरा, ये तो खुद ही आ गया। नमस्ते। नमस्ते। बैठो पांडे। तुम सब हमारी ये वार्निंग सुन लो। तुम सब इनके साथ 15 साल तक वफादार रहे, फिर क्यों झगड़े कर रहे हो? एक बात बताता हूँ ईश्वर तुम्हें, इसके जमीन के पैसे अभी तक अदा नहीं किए तुमने और मुसीबत पैदा कर रहे हो। बताओ क्या करना है, पैसे कैसे वसूल करने हैं वो जानता है, और वो कैसे वसूल करेगा तुम भी ये जानते हो। अब समझ लो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। 6 महीने में पूरा कर देगा, अगर नहीं दिया तो चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ओ मैडम सुनो तो, क्या लिखा है मैसेज में? जब वो घर पर अकेली होगी मुझे आने के लिए कहा है। यार मैं जाऊं, कोई टिप्स दोगे बताओ? तू क्या करेगा टिप्स, तू तो खुद ही माहिर है। दोस्त ये रही टिप्स। चुप। मेरा मतलब तुम्हारी वाली। लेकिन ये लोग कौन है जो उसे फॉलो कर रहे हैं? हाँ? चलो देखते हैं। चलो हाँ, चल। उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो तुम लोग? आज के बाद से पीछा किया तो ठीक नहीं होगा। ये बात तूने उसे कहने दे, समझा? ये बात वो नहीं कहेगी, क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। इससे प्यार करती है और ये उससे प्यार करता है। मेरी बात समझ में आई? अब निकलो यहाँ से। चले यार चलते हैं। हाँ चल। ए चल अपना काम कर। अरे ये क्या, इन लोगों ने रोक लिया इसको? वो तुमसे प्यार करता है क्या? तुम उसे प्यार करती है क्या, बोलो? इतनी जोर से? गाड़ी पीछे ले लो नहीं तो। चल चल कर पूछते हैं क्या हुआ। चल। ए, तूने ऐसा क्या कहा जो थप्पड़ मार दिया? मैंने उसे कहा तुम लव करती हो क्या? तुम भी मुझे पसंद करती हो तो मुझे कॉल करना, इसमें मेरा फोन नंबर है। मैंने तो ओपन कर दिया, अब तुम्हारी बारी है।
मैं इंतजार करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम जरूर फोन करोगी। क्यों रे? हाँ? कंप्यूटर क्लास गई थी या नहीं? गई थी, वापस आ गई मम्मी। क्यों आ गई वापस? जब मैं कंप्यूटर क्लास जा रही थी तो एक लड़के ने रास्ते में गाड़ी रोककर मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है और उसने अपना फोन नंबर दिया। तो फिर तुमने उनको क्या जवाब दिया? मैंने कुछ भी नहीं कहा, वापस आ गई। वापस घर क्यों आई? उसी लड़के के साथ चले जाना चाहिए था ना। उसने कुछ भी कहा तो घर पर आ गई। झूठ बोल। जब वो ऐसी बातें कर रहा था तू दांत निकाल के हंस रही थी। अगर जरा भी गैरत होती ना तुझमें तो चप्पल उतार के मारा क्यों नहीं उसे? उसकी चिकनी चुपड़ी बातें तो तुझे बहुत अच्छी लगी होगी ना? उसी से जाकर पूछो तुम, हंस रही थी या नहीं? ए, मेरी बात सुन, कौन है वो बता। क्या बात कर रहा है यार, मेरे बारे में पूछ रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? सच में उसने पूछा था, मेरा विश्वास कर यार। ए, मैं तेरे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, तू तो हमेशा से सच बोलता है ना। उधर देख, माँ बेटी दोनों आ रही है, अब पता चलेगा कि तू कितना सच बोल रहा है। मर गया, ए, चल निकल। ए, रुक ना, कहाँ जा रहा है? माँ से मिल ले। ये है वो। ये मेरी तरफ उंगली क्यों दिखा रही है? ए, रुक जा। मुझको बोली? सड़क पर लड़की क्या देख ली तुम लोगों ने? जीभ लटका कर उसके पीछे पीछे चले आते हो। ये बता, कोई लड़का अगर तेरे घर के किसी लड़की से नंबर लेके फोन करे तो तुझे कैसा लगेगा? हाँ? बुरा लगेगा और क्या लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा ना। ए, चल चलते हम लोग, खड़े खड़े तमाशा देख रही। दोबारा मेरे बेटी के पीछे आए ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी मैं। आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, समझ गया? और तू भी कैसा आदमी है? देखिए लड़कियों को छेड़ रहे, खड़े खड़े लड़कियों को छेड़ते रहते। आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, इनके घर में जैसे माँ बहन है ही नहीं। अच्छा हुआ चली गई, थैंक यू। चल, इतना सब हो गया लेकिन तूने चश्मा नहीं उतारा, तू बहुत आगे जाएगा बेटा। अपने आप को विश्व सुंदरी समझती है, शकल देखिए कभी अपनी। मन तो करता कि एक थप्पड़ लगाऊं। मुझसे बोल के फायदा नहीं। आने दे उसे, देख क्या करता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ भाई, नंबर देने पर ही अपनी माँ को लाई। अब तू कुछ किया ना तो मुसीबत खड़ी कर देगी, समझ लेना। ए, जिसे चाहे लेकर आए, सबको देख लूंगा, खुद को समझती क्या है वो। अरे ये तो तू नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। ए, जा जाकर मिल ले, आ रही है वो। खुद तो मार खाएगा, मुझे भी मार खिलवाएगा। Hey, मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, बोलो। अगर मैं पसंद नहीं था तो सीधा बोल देती, तुम्हें अपनी माँ को बुलाकर लाने की क्या जरूरत थी? मैं दर्शन करने आया था। अरे मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारी माँ ने मेरी कितनी बेइज्जती की तुमने देखा ना, अच्छी सजा दिलाई है तुमने मुझे, जिंदगी भर याद रखूंगा मैं तुम्हारी माँ को। आज से कसम खाता हूँ कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। अब जाओ यहाँ से। नमस्ते। कैसा है बेटा? आइए आइए पुनीत। नमस्ते पांडे जी। कैसे हैं घर पर सब लोग? सब लोग ठीक है ना? काम काज कैसा चल रहा है? घर पर तो सब ठीक है, पर काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा है, ईश्वर कंपनी देने के लिए दबाव बना रहा है, ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप मेरी मदद करो।
बस आप भी कहीं से आ रहे हैं पांडे जी? आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब कुछ देख लूंगा। चलता हूँ। अरे कुछ खा पी कर जाइए ना। नहीं फिर कभी, मैं थोड़ा जल्दी में। ठीक है ठीक है। नौटंकी कर रहे, लड़की देखी नहीं तो ड्रामा चल रहा है। हाँ जब देखो कुछ भी नाटक करते रहते हैं। जब देखो जुआ जुआ चौका पंजा करते रहते हैं, कुछ भी घर से पैसा लाएंगे और खेलते रहेंगे। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बस छोटी सी चोट थी। अपना ख्याल रखना। हो जाता खूबसूरत हर लम्हा पल भर में ओ जानम, मुश्किल भी मुश्किल सी ना लगती ना लगता गम भी सुन गम, तुझसे मिलके ना जाने क्या हो गया है, हाय मेरा चैन सुकून कहीं खो गया है, कभी कभी तो तेरे बिना जिया नहीं जाएगा सनम, सच कहता हूँ मैं खा के ये कसम। हो जाता खूबसूरत हर लम्हा पल भर में ओ जानम, मुश्किल भी मुश्किल सी ना लगती ना लगता गम भी सुन गम। चाहो तो गाड़ी चलाकर देख सकते हो। ए वहाँ क्या कर रहा है? ये देखना वो क्या देख रहा है। ए इधर
आइए गाड़ी देख लीजिए ना। इधर आना जल्दी। क्या है भाई इतने आप ये आए हो? यार मुझे बहुत पसंद है यही गाड़ी लेना है मुझे। इस गाड़ी को? अरे वो ऑटो देखना यार, तू मेरी बात समझ नहीं रहा, मुझे यही पसंद है यार, पूछना कितने में पूछ। अब ये अपना फैसला बदल रहा है। चलो तुम यही गाड़ी ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखना मुझसे गाड़ी खरीदने के बाद तुम कितना आगे तक जाते हो, देखना तुम बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। ओके बाय। ओके भाई मुझे भूल मत जाना। मेरी प्यारी माताओं और बुजुर्गो, यहाँ के महानुभाव आपके घर के दरवाजे पर ला रहे हैं मंगल अंतिम यात्रा रथ। आपकी एक पुकार पर हम दौड़े चले आएंगे, साल भर हम आपको भारी छूट देते हैं और देते रहेंगे। आप आज ही और अभी www.death.com पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। खुशी से आकर सुख दुख के भागीदार बनने के बाद आपसे जुदा होने वालों के लिए दोहरी खुशखबरी है। आपकी मंगल अंतिम यात्रा सेवाओं में कुछ विशेष महीनों में आपको ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगी। एक के साथ एक मुफ्त का भी प्रावधान है। ये सेवा पूरी तरह से मुफ्त। बुजुर्गों माफ कीजिएगा, जैसा इन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुफ्त योजना फिलहाल हमने नहीं बनाई है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इस नोटिस में बाकी की जानकारी दी गई है। चल जा। आइए 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 ना आइए। चलिए चलिए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए जाओ जरा ठंडा लेकर आओ। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है आपके आशीर्वाद से। अचानक कैसे आना हुआ, कोई खास बात? ये लीजिए। हाँ लाओ। अपनी बेटी के बारे में बात करने आया था। आपकी बच्ची क्या कर रही है? हा? अब मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है। अरे ये तो बड़ी खुशी की संबंध में आप लोगों से बात करने आया था। अरे इतनी जल्दी रिश्ता तय हो गया? बस यही सब बताने आए थे आप लोगों से। नमस्ते। बहुत खुशी की बात है, एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। इस महीने की 16 तारीख का मुहूर्त निकला है तो फिर क्या है, उसी दिन सब कुछ रख लेते हैं। ठीक है ठीक है भैया। मुकेश ये सब भगवान के कमरे में रख दो। ये कंपनी नहीं दूंगा। एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? मैंने ये कंपनी तेरी तरह किसी से छीन के नहीं बनाई है, मेरा और मेरे परिवार की मेहनत का फल है ये। कितनी भी कोशिश कर ले तो ये कंपनी तेरे हाथ में नहीं आएगी। बहुत तेरे को दे दिया इज्जत, चल निकल अभी। भाई बकरी काटने के लिए सिर नहीं लाती है भाई, उसे काटना पड़ता है। ए सुन, कल सुबह इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, तू आएगा और आकर साइन करेगा और चलता बनेगा। काट डालूंगा।
सब आए झूमे और गाए, ये ठाकुर सब आए झूमे और गाए, दर्शन को इनके नर नारी सब आए। सभी इनकी है वैसी देवताओं की जैसी है, प्रणाम इनको सभी यहाँ करते, कितने भी नम्र है ये शांति के दाता, बिल्कुल गुमान नहीं करते। अरे इनके जैसा देखा नहीं कोई भी, हम सच कहते ये झूठ नहीं कहते। मामा में दो माँ सब वैसा माने रे, कोई जब पहचाने खुशी होती रे। सुनो तो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। वंश को बढ़ाना और खुश रहना, वीरों की धरती पे वीर पैदा करना। वंश को बढ़ाना और खुश रहना, वीरों की धरती पे वीर पैदा करना। अब तेरा रुपये और ज्यादा निखरेगा, हल्दी और चंदन से चेहरा ये चमकेगा। बातें क्यों कर रही थी? किसके साथ बात कर रही थी मैं? अच्छा, उस दाढ़ी वाले लड़के के साथ सीढ़ी पे खड़े होकर क्या बातें कर रही थी? मैंने कोई बात नहीं की मम्मी, वो खुद आया था मुझसे बात करने के लिए। वो खुद आया था तेरे से बात करने? अगर ऐसा है तो चप्पल उतार कर मारा क्यों नहीं उसे? उसकी बातें तो तुझे बहुत अच्छी लग रही थी ना? सच कही थी मम्मी, मैंने उससे बात नहीं की, मुझे ये भी नहीं पता वो कब आया था। तो वो जब आया तो तू रुक क्यों गई? मैं जहाँ जाऊँगी अगर वो आ जाए तो केस में मेरी गलती है। वाह बिटिया रानी, तेरी कुछ भी गलती नहीं है, जो भी गलती मेरी है ना? अच्छा अगर तुझे शादी करने की इतनी जल्दी है तो मुझे साफ साफ बता दे, किसी लड़के को पटा ले मैं तेरी शादी उसी से करा दूंगी। हाँ तेरी माँ शादी कराने की हिम्मत रखती है, करा देगी। तुझे लेकर मैं परेशान हो गई, समझती ही नहीं, मेरी किस्मत खराब है। तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो? मैंने क्या गलती की है? एक दिन भी प्यार से बात की है आपने? हमेशा गुस्से में रहती हूँ, डांटती रहती हूँ मुझे। रोज रोज ऐसा तिल तिल मारने से अच्छा है एक ही बार में मार दो मुझे, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? मेरे सामने नाटक मत कर। तेरी माँ हूँ मैं, समझती हूँ तुझे, मर जाऊंगी कह रही हो लेकिन मरने वाली कहाँ हो? चल जा। मैं भी कभी तेरी तरह बातें किया करती थी लेकिन अभी भी जिंदा हूँ। चला।
ए, मुझे क्यों बुलवाया? मैंने ही बुलवाया तुझे। अब तो आ गया ना, बोलो। सुनो, जब ये कंपनी नहीं बेचना चाहते हैं तो तुम यहाँ आ करके बार बार क्यों धमकाते रहते हो? हैं? क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या तुम मुझे गुंडों से डरा रहे हो? क्या क्या बक रहे हो? अपनी जायदाद को गरीबों में दान देने वाले परिवार से हैं हम लोग। दूसरों की रोजी रोटी पर लात नहीं मारते, मेहनत करके खाते हैं। दूसरे को बर्बाद करने की मत सोच। तेरी सोच इतनी नीच कैसे हो गई? फिर से अगर दोबारा मेरे कान में इस तरह की बात आई तो तेरे इस भारी भरकम शरीर में तेरा ये सिर नहीं रहेगा। चल जा यहाँ से। क्या है रे, क्यों घूर रहा है? चल जा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। इसको सबक सिखाना ही होगा। पिताजी, कार की चाबी कहाँ है? ए, वो रही, ले लो। पर जा कहाँ रहे हो तुम? थोड़ा काम था पिताजी। मुकेश, बात सुन, कहाँ जा रहा है? पहले उधर बैठ। क्या बात है माँ, जल्दी बोलिए। टाइम नहीं है माँ, कहीं जाना है। ठीक है, वो लड़की कौन थी जिसे तू देखे जा रहा था? तू उसे जानता है? ये बता, मैं भी यही पूछने वाला था, कौन थी वो? ना मैं किसी को देख रहा था और ना किसी को जानता। बेटा, तू उसे देख रहा था, सारा गांव तुझे देख रहा था। लेकिन लड़की देखने में बहुत सुंदर है। मैं किसी को नहीं देख रहा था माँ, आपको गलतफहमी हो रही है। तू उस लड़की से प्यार करता है क्या? क्या पापा, आप भी? मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करती? तुमने उसे अपने प्यार के बारे में बताया या नहीं? हाँ पिताजी, एक बार बताया था उसे। उसने क्या जवाब दिया? जवाब दिया था, लेकिन उसकी माँ ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी कि क्या बताऊँ माँ। तुझे वो पसंद है? छोड़ो ना माँ, मुझे शर्म आ रही है। वो यही पढ़ती है क्या? कब तक बाहर आएगी? अभी आएगी माँ, आप ठीक से बात कर लेंगे ना? या फिर किसी और दिन आए माँ? नहीं नहीं, अब आ गए हैं, आज ही बात कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं? आज ही बात कर लेते हैं, आज थोड़ी हिम्मत आई है क्यों? हाँ जी, आपने सही कहा। आप इतना घबरा क्यों रही है माँ? हाँ हाँ हाँ। चले क्या यहाँ से? देखिए ना कितना पसीना छूट रहा है। मुझे नहीं लगता आप बात कर पाएंगे। चले, आपसे नहीं होगा, चले। हाँ लता, ये ठीक कह रहा है, चलो चलते हैं। लता, चलो चलो, चल आजा। ये तो डरा ही रहा है, ऊपर से तुम। मैं तो सोच ही रही हूँ कैसे बात करूँ। कॉलेज की छुट्टी हो गई माँ, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, मैं कार के पीछे खड़ा हूँ। सुनिए लता, तुम बात करके उससे आ जाओ, मैं मुकेश के साथ यहीं खड़ा रहूँ। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम्हारे लिए देखे आए हैं। चुपचाप खड़े रहो मेरे साथ। मेरी बात मान जाओ, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं वहाँ जाकर खड़ा हो जाता हूँ। खड़े रहो इधर। बेटी रुकना, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। हम मुकेश के माता पिता हैं। मुकेश वो भी पीछे ही खड़ा है। हमें तुम बहुत पसंद हो, मुकेश भी तुम्हें पसंद करता है। हमारी बहू बनोगी? तुम्हें पसंद है तो बताओ, हम तुम्हारे घर आकर बात कर लेंगे। तुम हमारे घर बहू बनकर आ गई तो बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। बेटी, आपने क्या कहा माँ? उसने क्या जवाब दिया? वो लड़की क्या गूंगी है? कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया? अब कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं इस बार किसको लेकर आने वाली है वो। अरे भूत प्रेत थोड़ी लेकर आ जाएगी वो। हमें तुम बहुत पसंद हो, मुकेश भी तुम्हें पसंद करता है। हमारी बहू बनोगी? तुम्हें पसंद है तो बताओ, हम तुम्हारे घर आकर बात कर लेंगे। तुम हमारे घर बहू बनकर आ गई तो बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। बारे में
वाह, अब तुम भी मान जाओ मेरे जैसा भी कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में। अरे ये यहाँ कब आ गई? पता नहीं अब मैं क्या करूंगी, इस समय दोनों भी घर पर नहीं है, मैं अकेली फंस गई। ये तो अकेली आई है। इसने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा, जब से आई है ऐसे ही सिर झुकाकर बैठी है। माँ तुम जाके बात करो, जाओ। रुक जा, मुझे ही हमेशा आगे कर देता है। सुनिए मेरे साथ चलिए ना। तुम जाओ ना, बात करो, जाओ ना। मुकेश, ये लीजिए पहनिए। इधर क्या देख रही हैं? बात कीजिए ना। क्या बात है बेटी, चुप क्यों बैठी हो? ये तुम्हारा ही घर है। तुम आई हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कुल देवी आई है। मैं अभी आई। ये क्या कर रही है? मुकेश तुम्हें पसंद है? पसंद है या नहीं है? मुझे आप और बाबूजी बहुत पसंद है। देखा, वो मुझे पसंद करती है। मतलब मेरा बेटा पसंद नहीं है? पसंद है। ओ, तो तू उसे गोद में उठा सकता है और मैं क्या नहीं उठा सकता? अरे आ जाओ लता। अरे बच्चे हैं, उतारो मुझे मुकेश। क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है। सच में तुम्हारे साथ मंदिर आना है? आज इतना लूट सकते हो, लूट लो। अरे आओ यार, बैठो तुम भी। ये मंगल है। नमस्ते। हेलो। ये कादिर है। नमस्ते। और ये गणेश। आप हमेशा इनके साथ रहते हो ना? मैं आपको जानती हूँ, काम क्या करते हो? वो मेरी गाड़ी में आने से सीधा ही हम लोग जा सकते हैं। मैं यातायात विभाग में हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उस दिन अनाउंसमेंट करते हुए सुना था ना? उस गाड़ी का मालिक यही है। मेरा खास दोस्त है। बहुत अच्छा काम करते हैं आप। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो मेरी हेल्प करते हैं। इसका मतलब आप दोनों बेकार हैं? यही समझ लीजिए। बस आप ही काम करते हैं और आपके पापा बेकार हैं? नहीं, आराम करते हैं। तुम अपना बिजनेस अच्छे से करना। काम करता है। देर हो रही है, मैं चलती हूँ। देर हो रही है, ये काम करते हैं, चलते हैं। मिलते हैं ना? बाय बाय। बाय बाय। अरे दोस्तों, हमें बुलाया और जैसे ऐश्वर्या राय से मिला रहा हो ऐसे मिलाकर चलता बना। पौवे का इंतजाम नहीं हो पाया। मेरे साथ कंप्यूटर क्लास में पढ़ने वाली वो सेल्वी का भाई है ना, वो नहीं आया आज, इसलिए मैं जाकर उसे छोड़ आई। उसका भाई उसे लेने नहीं आया तो फिर तू क्यों गई थी उसे छोड़ने? मैं तो आ जाती लेकिन उस बेचारी का पैर खराब है ना, चल नहीं सकती, इसलिए छोड़ के आना पड़ा। नए नए बहाने, आजकल तेरी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुधर जा तू, चल अंदर जा। एक भाई अपनी बहन को लेने के लिए भी नहीं आ सकता है, सबके सब एक से एक ड्रामे बस पहन के।
वर्षा, चाय पियोगी क्या? नहीं, मैं बाद में पी लूंगी। अरे अब क्या करे, अजी अब क्या करे, तो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। बागी बने पागल बने दीवाने हो गए। क्या मम्मी, ये तो गर्म नहीं है। हाँ, मैं गर्म करके लेकर आऊँ क्या? नहीं, कोई बात नहीं। ए, तैयार रहो, आने वाला है। हाँ भाई। चल तू भी डाल भाई, चल। अरे तू तो चला, तुम चलो ना अपनी चाल। जा। हाँ चल तो रहा हूँ। देता हूँ ना। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। ईश्वर। अरे चलता हूँ ना। चलो। पुनीत कहाँ है मेरा? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है वो? देखो पांडे, यहाँ के चिल्लाओ मत, तुमको बता रहा हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, बेकार की बातों में टांग मत अड़ाओ, चलो निकलो। ए, क्या बोल रहा है? किससे कैसे बात करनी है जानता है? ए, मैं भी देख रहा हूँ तू हद से आगे जा रहा है, चला टटा। दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी तुम्हें, और आज तुम मेरे पिताजी पे हाथ उठा रहे हो। तेरी ये जो जिंदगी है ना, हमारी दी हुई भीख है, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद काट के रख दूंगा। पिताजी चलिए यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे, अगर पुनीत को कुछ हुआ ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, समझ लेना, काट दूंगा। चला। हे ईश्वर, वो तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है। उसकी आरती सजानी है हमें, जो सिर्फ तुम कर सकते हो। ईश्वर तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलो, आ गया है भारी छूट वाला सामान आप लोगों के लिए, आ जाओ। तो रस्ते पे जा रहा था। तुझमें अकल है? सुबह सुबह मुर्दों को ले जाने वाली गाड़ी दुकान के सामने खड़ी कर दी। ए, चिल्ला क्यों रहा है? तेरी दुकान क्या गांव में अनोखी है? जैसे बहुत बड़ा सुपरमार्केट हो, दो पेंट के डिब्बे और चार थर्माकोर, इसके लिए इतनी नौटंकी कर रहा है। ए, मेरी गाड़ी खड़ी है तो तेरी दुकान की शान ही बढ़ रही है। गाड़ी आगे खड़ी करता है कि नहीं, या तुझे बताओ? चिल्ला मत, ये चल आगे कर। आखिरी बार समझा रहा हूँ। ए चल धक्का मार, जाके धक्का मार दे। ए दोबारा मना मत करना इधर खड़ी करने के लिए। ए जा। ए चल जा। ए। चलना। ए देर हो रही है, चलना यार। हे थोड़ी देर और रुकना प्लीज यार। यही कहता रहेगा तो पूरी रात बीत जाएगी, चल यहाँ से। मंगल, अगर तू ऐसा बोलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी चिंता छोड़, तू जा यहाँ से। ए, अरे तू बुरा मान गया, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तू दुखी क्यों होता है हा? मेरे दोस्त देख, दोस्ती का नाम मंगल है और मंगल ही दोस्ती है। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मन में रखकर बदला मत ले लेना। अच्छा आ गई। तुमने खाना खाया या नहीं? खा लिया। मैंने खा लिया, तुमने खाया क्या? पता। जल्दी घर जाओ, यहाँ वहाँ घूमना मत। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, माँ देख लेगी, मैं चलती हूँ।
चल हो गया चल। ए अब तो वो चली गई, किसे देख रहा है? ए रुकना थोड़ी देर। तो सुधरने वाला नहीं है। गेट खुल रहा है, जल्दी से निकलते यहाँ से, चला जा। कब से बोल रहा हूँ समझ नहीं रहा था, जब तक चार जूते नहीं पड़ जाते तब तक कोई सुधरता नहीं। बेटा तुझसे कुछ बात करनी थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत ही मुश्किलों से पाला है बेटा, वो मेरी इकलौती बेटी है, उसकी शादी मैं अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। उसे रोज रोज मिलना, बातें करना, हमारे घर के सामने आके खड़े रहना, ये सब बातें ठीक नहीं है बेटा। जी मैं वो वर्षा से। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ बेटा। क्या कर रही है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को भूल जाओ, और सुनो आज के बाद उससे कभी मिलना मत। बेटा मुझे तुम पर भरोसा है। ये क्यों भागा अंदर? अरे बाप रे, ये है। बात करनी है, क्या आप उसे फोन लगा देंगे? हाँ भाई बोलो। सुनो वो लड़की तुमसे बात करनी चाहती है, ये लो बात करो। अच्छा ठीक है। तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। देखो आज के बाद से फोन मत करना, समझी? अब रखो फोन तुम। दीजिए। उसकी माँ कितना मना कर रही है लेकिन ये मान नहीं रहा है, बेचारी का दिल दुखा रहा है। बड़ा हरिश्चंद की औलाद बनता फिर रहा है, अब किस मुझसे यहाँ पर आकर खड़ा है? इसके मन में शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। साथ में मुझे भी परेशान कर रहा है। ए, चल भाई चल यहाँ से, मुझे दूसरा भी काम है, चल। तो तू जाना यहाँ से। ठीक है तू रुक जा। तुम्हें पता है उस दिन फोन पर मैंने ऐसा क्यों बोला? तुम्हारा फोन नहीं उठाने के पीछे कुछ वजह थी। मैंने फोन किया तो तुमने उठाया नहीं, क्या तुम जानते हो मेरे दिल पर क्या बीती? तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती रही मैं, जानती हो क्या तुम? अच्छा नहीं किया तुमने, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। जी मैं आधे की अपनी जान दे दूं, क्यों किया? देखो वर्षा ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला। तुमसे मिलने के बाद मुकेश मैं कितनी खुश हो गई थी जानते हो, लेकिन तुमने जितनी तकलीफ दी है मुझे उतनी किसी ने नहीं दी मुझे आज तक। सुनो मुकेश अच्छा नहीं किया, तुम क्या समझोगे सच्चा प्यार क्या होता है? तरसोगे तुम सच्चे प्यार के लिए जब मैं नहीं रहूंगी। तुम जानती हो तुम्हारी माँ ने क्या किया था? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, उन्हें कुछ भी कहने दो मुकेश, लेकिन तुमने मुझे बेवजह ठुकरा दिया। अगर तुम्हारे माँ बाप कहीं छोड़ दो क्या तुम मुझे रास्ते पे छोड़ दोगे? ये तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात है।
क्या हुआ मुकेश? क्या हुआ बेटा? बेटा क्या? संभल कर, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज क्या हालत हो गई है इसकी देखिए। जहाँ जाते हो इसे साथ लेकर जाते हो, एक दिन भी अच्छी बात नहीं सिखाई, अपने जैसा इसे भी बना दिया है। क्या हुआ तुझे जो शराब पीकर आया है? मैं बहुत दुखी हूँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ माँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे क्या दुख है मुझे बता बेटे। चार दिन पहले वर्षा की माँ मेरे पैरों पे गिर गई और कहने लगी कि आज के बाद से ना वर्षा से कभी बात करो और ना उससे मिलो। मुझे बहुत दुख हुआ माँ, उस दिन के बाद से मैंने वर्षा से बात नहीं की। इसकी वजह से वर्षा बहुत दुखी है माँ। जब मैंने उसका फोन नहीं उठाया तो वो मुझसे मिलने आई थी और बहुत रो रही थी माँ। जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि देखो अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसकी माँ ने मुझसे क्या कहा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता माँ। लगता है बेटी पढ़ रही हो। मम्मी आप लोग अच्छे ठीक हो बेटी? मैं अच्छी हूँ, बैठिए ना। नमस्ते बहन जी। कौन है आप लोग, यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्या बैठ कर बात कर सकते हैं? आओ बैठो। मैं विक्रम पांडे और ये मेरी पत्नी लता रानी, हमारा एक ही बेटा है मुकेश पांडे। मुकेश और वर्षा एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसने बात करने से मना कर दिया है ये कहकर बहुत दुखी हो रहा था। हमने उसे बहुत प्यार से पाला है, हम उसे दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए सोचा आपसे मिलके बात कर ले। मिल लिए ना, अब क्या कहना कहिए। बोलो लता। आप अपने बेटी की शादी हमारे बेटे से करा दे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। हमें ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी बताइए। हम पर भरोसा कीजिए, अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आप कुछ कहिए। जैसे मुकेश हमारी जान है वैसे मुकेश की जान है आपकी बेटी, इसलिए आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए और हो सके तो वर्षा से भी पूछ लीजिएगा। मुझे पसंद है। आपने कुछ जवाब नहीं दिया बहन जी। देखो अपने होने वाली बहू को आशीर्वाद दीजिए। वर्षा, अरे रो क्यों रही है बेटी? इससे बेहतर रिश्ता मैं तेरे लिए कभी नहीं ढूंढ सकती थी बेटी। तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है ना बेटी। चल चल इधर आ। ये लीजिए, टीका लगा दीजिए। ये लो टीका लगा दो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। उठो बेटी, तुम हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। तुम नहीं जानती आज मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा बहन जी अब मैं चलता हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा बहन जी चलते हैं। बहन जी आ जाओ लता, चलो चलिए। बेटी। ओ मम्मी। क्या बात है, आपने मुझे कैसे याद किया? विक्रम पांडे और मुकेश पांडे हाईवे पे आने वाले हैं, दोनों में से कोई बचना नहीं चाहिए। अगर बच गए तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, याद रखना। आपने कह दिया ना, अब बस देखिए किसकी गर्दन कौन उड़ाता है। ए, चलो रे गाड़ी निकालो, जल्दी चलो चलो चलो।
ईश्वर, ये लोग काम कर पाएंगे ना? काम करके ये लोग वापस आएंगे। ठीक है। तुम्हें क्या पसंद नहीं है? इतनी तेज धूप में सड़क पे चलना पसंद नहीं है। फिर मुझे क्यों चला रहे हो? मैंने कहा अकेले चलना पसंद नहीं है, तुम्हारे साथ तो मैं आग पर भी चल सकता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है? क्या कहा? मैंने पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। जागती रहूं।
मुकेश, ये गाड़ी हमें फॉलो क्यों कर रही है? हाँ पिताजी, कोई हमें फॉलो कर रहा है। चलो मुकेश, चलो जल्दी उतरो, चलो 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 जल्दी निकलो, सामान निकाल, जब काट डालो। भाग गए सब के सब, डरपोक कहीं के। मम्मी जल्दी करो ना, कितनी देर लगा रही हो? अरे वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो गई ना, अब मुझे भी तो तैयार होने दे। चल चल, मैं तैयार हो लूं जरा। बस करो, तुम सुंदर लग रही हो, इतना क्यों सज रही हो? अब चले। वर्षा आप क्या है मम्मी? अच्छी लग रही। चल आइए आइए आइए, बैठिए ना। आप बैठो बेटी। कोई दिखाई नहीं दे रहा है? अंदर नहा रहे हैं, अभी आएंगे। आप बैठिए, मैं अभी आई। कॉफी चलेगी ना? ये लीजिए कॉफी। ए मुकेश छोड़ो ना यार, मेरा हरा तौलिया है। पिताजी तंग मत कीजिए ना, बार कहा है कि मेरे तौलिया मत छोड़ो। जी छोड़िए ना, और तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो कभी भी। क्या हुआ? माँ, पिताजी ने मेरा तौलिया ले लिया है, आकर मुझे वापस दिलाइए। आप बैठिए, मैं अभी आई। अरे तुम्हें हरे रंग की तौलिया चाहिए ना, तो जाकर के बाजार से ले आओ ना। तुम सुनते नहीं हो। आइए आइए, क्या हुआ, इतनी देर कर दी? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो कहीं बिजी हैं, आएंगे बाद में। नमस्ते टीचर, कैसे हैं आप? ठीक है ना आप? अच्छा चलिए चलिए अंदर चलते हैं। मैं अभी आती हूँ। तुम्हें अपनी मामा से बहुत लगाव है? वो तो मेरी जान है, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? बाद में आएंगे ऐसा कहा है पापा ने। तुम तो पहले से सुंदर लग रही हो, क्या बात है? मैं तो हमेशा ही सुंदर थी, जाओ ना। हे, मुझसे बात नहीं करोगी? कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो। फोटो देखिए। अच्छा, इसमें हाँ। तुम्हारे फोटोज भी हैं? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे क्या कर रहा है तू, जब देखो धकेलता ही जा रहा है तू। चल उधर। अरे कहाँ ना, चल उधर। सब लोग खाने पर आइए, सब अच्छी तरह से खाना। अच्छा ना, बहुत अच्छा है। अच्छे से खाइएगा। ए लड़की सुनिए। आई टीचर। ये कौन है? मेरी मामी के छोटे भाई हैं, शहर में काम करते हैं ये। माँ लो बेटी। बहू के आते ही बेटे को भूल गई, अरे उसे भी तो खाना दो। बस 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 माँ, मैं जाती हूँ टीचर।
मजे से खा रही है हाँ? इस घर का खाना खाने से बेहतर है कि हम माँ बेटी जहर खाकर जान दे दे। क्या कर रही है ये? चल यहाँ से, चल यहाँ से। क्या हुआ माजी? माजी चल। मुकेश, माजी क्या हुआ? बोले तो। तू कौन होता है मेरा हाथ पकड़ने वाला? दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चल जल्दी चल, चल निकल। माजी, माजी। बहन जी रुकिए तो। तुमने ऐसा क्यों किया मम्मी? उनकी बेइज्जती कर दी तुमने। अब कलेजे पे ठंडक पड़ गई ना। तुमसे पूछ रही हूँ मैं, ऐसा क्यों किया तुमने? सच बताओ मुझे। इस तरह चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ, तू और वो लड़का जब साथ में घूमते थे तब मैं तुझे मना करती थी ना? क्यों करती थी, क्यों नहीं पूछा तूने? जब उन लोगों ने घर पर आकर रिश्ता मांगा तो मैंने हाँ क्यों किया? तब क्यों नहीं पूछा कि मैंने हाँ क्यों किया? जो अभी क्यों क्यों कर रही है तू? ए, तेरे क्यों का जवाब नहीं दूंगी मैं, कभी नहीं दूंगी। जा, तुम्हें पता नहीं होगा ऐसा क्यों किया तुमने। तुम पागल हो गई हो, पागल पागल। तुम मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती। तुम्हारे साथ उन्होंने क्या गुनाह किया था? तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने बड़ा किया, इसका ये सिला दे रही है तू मुझे? मुझे पागल बोल रही है हा? तो सुन, तुझे और मुझे बेसहारा छोड़कर जाने वाला कौन है पता है? वो कोई और नहीं है, तेरा बाप है और मुकेश का मामा है वो। हाँ, तुझे पता है उसने क्या किया था मेरे साथ? पता है तुझे? तो आज बताती हूँ, तू बर्दाश्त कर पाई तो सुन। रिश्ते नाते पैसा जायदाद सब कुछ छोड़कर मैं तेरे बाप के भरोसे अपना खुद का घर छोड़कर चली आई थी, और उसके बाद जब तेरा जन्म हुआ तो तेरी जिम्मेदारी तेरा बाप नहीं उठा सका और मेरे सारे जेवर पैसे लेकर दूसरी औरत के साथ भाग गया तेरा बाप। मैं क्या करती उस हालत में बता, बिल्कुल बेसहारा हो गई थी मैं। मुझे बच्चे के साथ देखते थे तो लोग मुझे गिरी हुई औरत समझते थे, मुझे नीची नजरों से देखते थे। मेरी इस हालत के जिम्मेदार उस आदमी के परिवार में मैं तेरी शादी कैसे होने दूं? मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैं जानबूझकर वो चीज अपनी बेटी के साथ कैसे होने देती? इसलिए मैंने ये सब किया और तुम मुझे समझ नहीं पाई और मुझे कितना कुछ सुना गई, मुझे पागल बोल दिया तूने। मैं पागल हूँ, मैं माँ हूँ तेरी। मम्मी, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। वर्षा, वर्षा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, आइंदा मुझे परेशान मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। चल। मेरे खाने से सब ठीक हो जाएगा क्या माँ? मुझे अकेला छोड़ दीजिए यहाँ, जाइए आप यहाँ से। ऐसी बात क्यों कर रहा है, बेकार में परेशान मत हो, उसके लिए तो खाना छोड़ देगा। मेरी बात सुन ले मेरे बेटे। वर्षा मुझे देखते ही मुंह फेर लेती है माँ, मुझसे बात नहीं करना चाहती वो। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वर्षा से बात करूंगी बेटा। चल बेटा खाना खा ले।
मुकेश आजा मेरे पास आजा। पिताजी। तू चाहता है ना वर्षा तुझसे बात करे और तेरी हो जाए वो, तो चल मेरे साथ, चल चल चल। ए बप्पा रे बप्पा मुझे प्यार न करना, प्यार न करना। चलो 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 चलो
पहले तो काट डालना, छोड़ना मत। देखो पीछे हो, पीछे हो, देखो। अरे कहाँ गया? देखो देखो, देख यही होगा कहीं पे। घोड़ा उधर देख, उधर देख, उधर देख, घोड़ा नहीं। देख देख इधर 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 देख इधर 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 इधर। धार तो है नहीं, गर्दन कैसे कटी? ये क्या बोल रहा है तू? वो आ रही है, जाकर बात कीजिए। मुकेश तुम यहीं रहना। मम्मी जी। बेटा। मम्मी ने आप लोगों से मिलने के लिए मना किया है। अगर मैं फिर भी मिली तो उन्होंने कहा वो अपनी जान दे देगी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है माँ जी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। बेटा उस दिन तुम्हें घर से क्यों ले गई थी? कोई परेशानी है? उसने ऐसा क्यों किया? मम्मी और डैडी ने लव मैरिज की थी जब मैं पेट में थी। मेरे डैडी मम्मी को छोड़कर चले गए। वो जब अपनी बेटी का ही कार्यभार नहीं उठा सकता था तो नामर्द ने शादी क्यों की? पापा वो और कोई नहीं, माँ जी के छोटे भाई हैं, मुकेश के मामा। उस दिन आपके घर में एल्बम की फोटो देखने के बाद ही माँ को सच पता चला। तू क्या कह रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तू मेरे भाई की बेटी है, सुना आपने? ये मेरे भाई की बेटी है। देखा, ये मेरी माँ की तरह दिखती है। तेरी माँ कौन होती है मना करने वाली? तू मेरी बहू है, मेरी बेटी की पत्नी। अब ये शादी कोई नहीं रोक सकता। तेरा बाप कहाँ पर है तुझे पता है? नहीं। तू एक काम कर, हमारे साथ चल बेटा, हम तेरी और मुकेश की शादी कर देंगे। उसके बाद तेरी माँ से हम बात कर लेंगे। नहीं माँ जी, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मेरे लिए आप भी जरूरी है और मम्मी भी। आप आकर बात करेंगी तो माँ मान जाएगी, मेरा विश्वास है। आप जरूर आना, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। देर हो रही है माँ जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना।
आई लव यू। आइए माँ जी। ये किसको माँ जी बोल रही है? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जाइए यहाँ से। मेरे भाई के गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहू को मुझे दे दो। ए, मेरी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? हाँ, आपके जैसे खानदान में मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं कराऊंगी। इसके बाद भी आप लोग यहाँ से नहीं गए ना, तो मेरे मुंह से। इनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? मैंने इन्हें बुलाया है यहाँ पे। मैं मानता हूँ तुम सही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलती रहो। हम तुमसे किसी भी मामले में कम नहीं हैं। इसे ले जाकर अपने बेटे की शादी कराने में जरा भी देर नहीं लगेगी। लेकिन मुझे पता है तुमने कितनी मुश्किलों से अपनी बच्ची को पाला है। तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर करके तुम्हें अनाथ नहीं करना चाहता हूँ मैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जाओ यहाँ से। ए, तू चल अंदर। चल अंदर तू, बहुत हुआ। लता तुम रो क्यों रही हो? लगता है उसको हमारी बहू बनना उसकी किस्मत में नहीं है। मैं तुझे उस नरक में। चल अंदर, चल अंदर, बहुत हो गया। चलो लता, चल, चल। ले जाइए। देख माँ, मेरे पास मत आ। मुझे तेरी शक्ल देख पसंद नहीं है। चल, छोड़ मुझे। चल तुझे बताती हूँ। छोड़, चल। क्यों कर रही है सब तू? क्यों रे? सब कुछ छोड़। सब कुछ जानने के बाद भी उन्हें यहाँ बुलाकर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है तू? हाँ, हाँ, हाँ? अपनी माँ से ज्यादा तुझे वो लोग प्यारे नजर आने लगे? हाँ, अपनी माँ से ज्यादा तुझे वो लोग अच्छे लगने लगे हैं? इतना जलील होकर तुझे जन्म देने के बजाय तुझे कूड़ेदान में फेंक देती तो मेरी जिंदगी सुधर जाती। मेरी बेटी मुझे इस तरह से जलील करेगी, मुझे पता नहीं था। तुझे पता नहीं कि मैंने तेरे लिए कितना कुछ सुनाया? कितना कुछ सुनाया मैंने, तुझे पता नहीं? अपनी माँ को इस तरह से जलील करती है तू? तुझे मैंने कितने नाजों से पाला है, कितना पढ़ाया लिखाया है उसका, उसका तू मुझे ये सिला दे रही है? तू चली जा यहाँ से। कम से कम मैं चैन से जी तो पाऊंगी तेरे बिना। रोज रोज के इस तरह से मैं तंग आ गई हूँ। मुझे इस तरह से मारने से अच्छा कि तू मर जा। तू मर गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन उस घर में नहीं जाने दूंगी। ए, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तेरी शादी वहां नहीं होगी। उससे बेहतर कि मैं तुझे अपने हाथों से तेरा गला घोड़ दूंगी। आपस में दुश्मनी था ये लोग। गैंगवार में लगता मारा गया। देखो क्या होता है, क्या होता है, तो चल रही है, तब चलेगा मारा ही। हाँ, तुम कौन हो? सर मैं पुनीत का बेटा हूँ। मेरे पिताजी को ईश्वर ने जान से मार दिया है। मैं उसे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। एक दिन ईश्वर और उसके आदमियों ने विक्रम पांडे को मारने की कोशिश की। मौके का फायदा उठाकर मैंने ईश्वर को मार दिया। ये बात विक्रम पांडे और उसके बेटे मुकेश को नहीं पता है।
चल बैठ। सर यही सच है, मैं सरेंडर करने आया हूँ। सर ईश्वर की खूनी ने सरेंडर कर दिया है। ए, चल उधर बैठ। ठीक है भाई। फोन? हाँ बोलिए भैया। तुम फौरन घर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ लेकर आना। चलाता है ये? इतनी देर कर दी? घर से निकलने में देर हो गई। ये लो खा लो। तुम ही खाओ, अब मेरी भूख मर गई। मैंने कल रात भी नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लगी है। इधर देखो। तुमने तो कहा था कि कुछ लेकर आना, तो फिर अब खाओ। ए, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। मेरी प्यारी, मेरी जानू, खा लो ना प्लीज, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तुम जितना सोचती हो उससे भी ज्यादा। तूने क्वेश्चन ले लिया? हाँ, मैंने रेडी कर लिया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे माता पिता ने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन तुम्हारी माँ ने उन्हें भी रुला दिया। माँ जी और पिताजी को देखते ही मम्मी ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं खुद को कोस रही थी। मुकेश छोड़ो मुझे। पहले एक किस देना होगा, फिर छोड़ दूंगा। एक नहीं, बहुत सारी दूंगी, पहले छोड़ो। पहले ये गले में पहना दूं, फिर जो मांगोगे दूंगी। ये डोरी नहीं, मंगल सूत्र है। तुमने जो मांगा था, अगर वो तुम्हें चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना जाओ। मैं ये इसलिए नहीं बांध रहा हूँ कि मैंने जो मांगा है वो मुझे मिले। Yeah.
बस बस यहीं रुको। मुझे माफ कर दीजिए, एक पागल औरत समझकर मेरी बातों को भुला दीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें उठाई, कम से कम मेरी बेटी खुशी से अपनी जिंदगी जिए। मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी बेटी आपके घर की बहू बहू बनना चाहती तो बनने दीजिए, उसे बनने दीजिए, इसीलिए मेरी खुशी है। आप लोग जब भी चाहे तब आकर मेरे घर अपनी बहू को लेकर जाइए ना, दामाद जी को भेज दीजिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, चलती हूँ। भैया जल्दी चलाओ ना। हाँ तुम बड़े वो हो मुकेश, तुम्हारी वजह से मेरी बालिक हो गई। बस मुकेश बस करो। मुकेश मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? उसके लिए मुझे मरना होगा, मैं चलता हूँ। हाँ मुकेश। हाँ पिताजी। वर्षा की माँ आई थी। हाँ। उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दिया है। आप सच कह रहे हैं? अरे तुम खुश हो ना? I love you पिताजी। जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ बस बस यहीं पे यहीं यहीं। हाँ, ये लो। अरे वाली छुट्टा तो लेती जाओ। वर्षा वर्षा क्या हुआ भैया? मुकेश वर्षा ने फांसी लगा ली, जल्दी आ जा तू।
क्या कह रहे हैं भैया? जीवन में कोई सुख नहीं रहा। आज के बाद ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं होगी। अब तुम चैन से रह सकती हो मम्मी। तुमने ही तो कहा था ना मम्मी, साथ रहकर आपको दुख देने से अच्छा मैं मर जाऊं। मैं तो तभी मर गई थी। फिर भी तुम्हें अकेला छोड़कर जाने में बहुत दुख हो रहा है। मुझे माफ कर देना मां। मुकेश, मुकेश, लता, लता, मुकेश, लता, मुकेश, 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 बेटा, बेटा मुकेश, उठो, बेटा, बेटा, ये क्या हुआ मेरी बेटी को? उठो, जल्दी करो, चलो, ले चलो, ले चलो। चले गए जाने कहाँ चले गए, हम सबको छोड़ के दिल सबका तोड़ के, सबका दिल तोड़ के। अरे तुम चले गए जाने कहाँ चले गए, हम सबको छोड़ के दिल सबका तोड़ के, रिश्ते नाते सब तोड़ के, सबसे मुँह मोड़ के, सबसे मुँह मोड़ के। से पाला था हमने
तुम चले गए, जाने कहाँ चले गए, हम सबको छोड़ के, दिल सबको तोड़ के, रिश्ते नाते सब तोड़ के, सबसे मुँह मोड़ के, सबसे मुँह मोड़ के, हम सबको छोड़ के, सबका दिल तोड़ के।